हाय, दिस इज मनी शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी अगर 11,900 के ऊपर जाता है तो एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। आज अगर आप देखो 11,945 का हाई बना है, वापस थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और 11,900 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। और आज अनाउंसमेंट है 6 PM को, सो एक बड़ा मूवमेंट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है व्यू। 11,840 के नीचे बेरिश होगा, 11,940 के ऊपर बुलिश होगा। सो ये 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट फंस चुका है। सो आपको अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को और 24,200 का लो बना के वापस एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी साइडवेज मूवमेंट हो चुका है क्योंकि ऊपर के लेवल से हमें वापस सप्लाई देखने को मिली है। थोड़ा सा आपको एक दो दिन साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी अभी दोनों में ही थोड़ा सा साइडवेज व्यू है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको एचयूएल बाय दिया था 2185 के ऊपर, इसमें आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा क्योंकि ये 2208 का हाई बना के आया है। सो इसमें आपको इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा आया होगा। ग्लेनमार्क फार्मा मैंने आपको सेल दिया था 474 के नीचे, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। आईजीएल मैंने आपको सेल दिया था 374 के नीचे, ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस था। सो एचयूएल में प्रॉफिट आया, ग्लेनमार्क में स्टॉप लॉस ट्रिगर था और आईजीएल कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस था। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा वोल्टास। वोल्टास मुझे काफ़ी अच्छा बाय लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो ये ब्रेकआउट करने के चांसेस इसके ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे लगता है 700 अगर क्रॉस करता है तो एक बार 720 तक का लेवल रीटेस्ट कर सकता है और अगर ब्रेकआउट देगा तो और ऊपर भी जा सकता है। 715 720 के टारगेट के लिए हम इसको इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बाय रहेगा वोल्टास कल के सेशन के लिए। कौन एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा एशियन पेंट। एशियन पेंट ने काफ़ी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में, देख सकते हो इसने काफ़ी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिया और मुझे लगता है यहाँ से 2200 तक के लेवल हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। सो एशियन पेंट काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा ACC। ACC में अगर आप देखो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। अब इसका लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर 1560 के नीचे जाता है तो एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो ACC काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा इंट्राडे के लिए, बट एग्जैक्टली कौन से लेवल पर सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।